हल्द्वानी में आज से भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक और हल्द्वानी में आज से भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली है। आज शाम 4 बजे से भाजपा की 2 दिवसीय बैठक शुरू होगी। बिल्कुल, और आज भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों की यह बैठक होगी। कल सीएम धामी प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होंगे और कल सभी भाजपा सांसद विधायक भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। और प्रदेश कार्य समिति की बैठक के दूसरे दिन विधायक से लेकर मंत्री और सांसदों तक की इस बैठक में शामिल होने की खबर है। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष समेत करीब 300 से ज्यादा पदाधिकारी के शामिल होने की संभावना। बिल्कुल, और आपको ये बता दें कि कार्य समिति की बैठक पर प्रदेश के भाजपा नेताओं की नजर टिकी है, क्योंकि सरकार के दायित्वधारी बनने की कई नेताओं में संगठन और सरकार की ओर से वो कोशिश में है, चक्कर काट रहे हैं कि उन्हें भी दर्जाधारी मंत्री बनाया जा सके, क्योंकि ये कवायद तेज हो गई है। बहुत जल्द घोषणा होगी। वाणी में भाजपा की जो कार्य समिति की बैठक होगी उस पर कई नेताओं की नजर टिकी है। जो नेता अधिकारी बनने की उम्मीद पाले हुए हैं उन्हें कार्य समिति की बैठक से उम्मीद है कि बड़े नेता इस पर फैसला ले सकते हैं। बिल्कुल, आगामी कुछ दिनों में संगठन के कुछ बड़े नेताओं को सरकार में दायित्व मिल सकता है, तो ये कार्य समिति की बैठक बेहद अहम होने वाली है। इंटरनली देखा जाए तो तमाम नेताओं को लगता है कि उनका प्रमोशन हो सकता है और इसके लिए वो लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब इस कार्य समिति में क्या मंत्रणा होगी, क्या जानकारी मिलेगी, चलिए इनसाइड अपडेट के लिए हम रुक करते हैं। हमारे सहयोगी विनोद का फोन लाइन पर मौजूद है। विनोद, क्या जानकारी मिल रही है, क्या खबर मिल रही है इस बैठक को लेकर के? बिल्कुल सहमता, देखिए आज से 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक जो है भारतीय जनता पार्टी की हल्द्वानी में होने जा रही है, जिसकी शुरुआत आज प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक एक प्रेस वार्ता करके करेंगे और इसमें आज आगामी जो सरकार के एजेंडे हैं उन पर मंथन होगा और जिस तरह से धामी सरकार के 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं जल्द ही, 100 दिन के एजेंडा को लेकर ही इस पूरी बैठक में मंत्रणा होगी और एजेंडे तय होंगे। आखिरकार अग्रिम जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के हैं, संगठन के हैं, वो किस तरह से होंगे और जनता के बीच में जो एक चुनाव के दौरान तमाम जितने भी संकल्प भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं उनको पूरा करने के लिए हर छोर तक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बिल्कुल देखिए होगा। इस बैठक से कई सारे नेताओं की महत्वाकांक्षाएं भी जुड़ी हैं, देखते हैं किस तरीके से उन पर चर्चा होगी या नहीं। आप नजर बनाए रखिएगा, फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया विनोद। तो देखिए कार्य समिति की बैठक है, 2 दिन की यह बैठक है और कल सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। और अब खबर देहरादून से है, जहां लिव इन रिलेशनशिप में रह रही युवती की हत्या का मामला सामने आया है। मामला प्रेम नगर इलाके का है, जहां पर प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। देखिए, मुजफ्फरनगर की रहने वाली युवती आरोपी सुमित के साथ लिव इन में रहती थी। आरोपी ने थाने में जाकर के अपना जुर्म भी कबूल किया है। यह बड़ा मामला सामने आया है और पुलिस का कहना है कि युवती की हत्या गला दबाकर उसने की है। किसी धारदार हथियार से युवती के सिर पर वार किए हैं और यह सब कुछ उसने थाने में जाकर के कबूल किया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।